कुछ अच्छा होते 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 खराब सा लगने लग जाता है। ये बहुत ज़्यादा होता है और हर किसी के साथ होता है। हम टेक्निक्स करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं और हमारा यूनिवर्स के साथ भी एक बहुत स्ट्रांग कनेक्शन बन जाता है। लेकिन जहाँ हम टेक्निक्स करना बंद कर देते हैं, अलग सी नेगेटिविटी आ जाती है और हमें गंदा लगने लग जाता है। जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करें, टेक्निक्स करें, और ये तो श्योरिटी है कि मैनिफेस्टेशन होना ही होना है, विश आपकी पूरी होनी ही होनी है। लेकिन एक बात पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब भी आप सैड होते हैं, आप नेगेटिव बन जाते हैं, तब यूनिवर्स आपको इंडिकेट करते हैं। और जब यूनिवर्स आपको इंडिकेट करते हैं तो आपको बहुत मैजिकल साइंस दिखते हैं। लाइक आपके पास बटरफ्लाइज आ जाती हैं, आपके पास फेदर्स आ जाते हैं, आपको डिफरेंट नंबर्स दिखने लग जाते हैं। जब भी आप सैड होते हो ना, तो ये मत सोचा करो कि अब तो सब बुरा होने वाला है, क्योंकि ये खुद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन करती थी और कभी कभार बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील होता था ना, तब खुद यूनिवर्स मुझे साइन दिया करते थे और ऐसा लगता था कि नहीं, अब सब बहुत अच्छा होने वाला है। तो जब आप भी कभी सैड फील करते हो ना, भले 5 मिनट 10 मिनट बुरा फील होता है, लेकिन फिर देखना, एक अनएक्सपेक्टेड सा मिराकल, एक अनएक्सपेक्टेड सा साइन आपको मिलता है और सब कुछ एकदम ब्यूटीफुल सा हो जाता है। तो उस टाइम खुद यूनिवर्स आपको बोलने आए हैं कि भाई रोना नहीं है, टेक्निक्स, मैनिफेस्टेशन, सब कुछ अच्छे से होने वाला है। सो स्टे पॉजिटिव।